दोस्तों दो बार तलाक, सिंगल पेरेंटिंग और लिव इन रिलेशनशिप। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने ये सब देखा है और अभी भी अपना जीवन जी रही हैं। वो दूरदर्शन पर आने वाले हिट टेलीविजन धारावाहिक स्वाभिमान में माँ की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें रीमा लागू की दोस्त राजश्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम साथ साथ हैं में शांति के रोल के लिए याद किया जाता है। कुनिका को पहचान प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में सलमान खान की सौतेली माँ के किरदार में खूब मिली। कुनिका एक्ट्रेस के अलावा बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर और सिंगल मदर भी हैं। कुनिका मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे। वो चार भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। एक मल्टीकल्चरल माहौल में जन्मी और पली बढ़ी कुनिका के पिता साउथ इंडियन थे। उनकी माँ एक पंजाबी अंग्रेजी और उनकी नानी स्कॉटिश थी। कुनिका ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली और जिससे कि वो इनसे 13 साल बड़ा था। वो अपने दोस्त के यहाँ इस मारवाड़ी लड़के से मिली थी और 2 महीने की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे के बाद भी ये शादी बच नहीं सकी और 2.5 साल के बाद कुनिका ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। शुरुआत में बेटा उनके साथ ही रहता था, लेकिन बाद में बेटे को पति ले गया। बेटे के लिए उन्होंने 8 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। तब तक उनका बेटा भी 14 साल का हो गया था। उसके बावजूद भी बेटे की कस्टडी पिता के पास चली गई थी। शुरुआती फिल्मों की बात करें तो श्याम रामसे की निर्देशित हॉरर फिल्म बंद दरवाजा को भला कौन भूल सकता है। साल 1990 में रिलीज हुई इस हॉरर फिल्म में कुनिका ने काम्या का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था। कुनिका अभी भी मनोरंजन जगत में सक्रिय है। वो फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। कुनिका वैम्प्स के किरदार में काफी पसंद की जाती थी और लेडी वैम्प के किरदार में वो बहुत सूट करती थी। आज 54 साल की उम्र में कुनिका बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हैं और उन्हें जीवन में कोई पछतावा नहीं है। वो सिंगल पेरेंट मदर के रूप में अपने एक्टिंग करियर, सोशल वर्क और जिम्मेदारियों के बीच पूरी तरह से कर्तव्य दिखाती रहती है। कुनिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है। बॉलीवुड की ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मी हंगामा।